गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। दोस्तों, बहुत दुख के साथ सॉरी बोलता हूँ कि मैं टाइम से नहीं आ पाया। जैसा कि मालूम होगा आप लोगों को कि क्रिसमस का सीज़न है, तो उसमें कभी पार्टी आना जाना तो उसमें शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। वॉज सपोज टू कम 9 o'clock, तो हमेशा 9 बजे सुबह आना होता है मंडे को, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन अगले वीक से वो कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, एंड विश यू मैरी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी हॉलीडे सीजन। चलो क्रिसमस मना रहे हैं। सो दोस्तों, आपका दोस्त राकेश, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट फॉर यंग इंडिया। दोस्तों, सोच रहा था कि कुछ ऐसा शेयर किया जाए, तो आज का टॉपिक ये डिसाइड करने का मेन मकसद मेरा ये था कि सोचने के बाद, बहुत सारा स्टडी करने के बाद या अपनी लाइफ से सीखने के बाद, और जब भी मैं इंडिया में ट्रेवल करता हूँ हर साल, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया, हिंदुस्तान आज की डेट पे मेरे हिसाब से 80% मिडिल क्लास इंडिया है। तो मिडिल क्लास इंडिया से मेरा तात्पर्य यह है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने 3-4 उनके मेजर एक्सपेंस होते हैं, घर का एक्सपेंस, बच्चों की पढ़ाई का एक्सपेंस, उनके शादी ब्याह का एक्सपेंस, और उसके बाद जो नॉर्मल अपने एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर रिलैक्स लाइफ नहीं है तो एक सर्टेन एज के बाद, 40-45-50 के बाद, मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरा कुछ आइडिया ये था कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, और हमारे भी पेरेंट्स हैं आज की डेट में, हम भी किसी अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो ऐसा कुछ किया जाए कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें थोड़ा सा पेरेंट्स का बोझ हल्का करने के लिए। तो दोस्तों, आज के समय में हम जिस समय में जी रहे हैं, आज इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, बहुत सारे साधन हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अर्ली एजुकेशन दे सकते हैं, जिससे कि वो माँ बाप का हाथ बटा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली इंडिया में, एंड फॉर दैट मैटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो फॉर इंस्टेंस, एक हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कि अगर इंडिया में 9th grade से बच्चे, जो कि 5-6 साल की उम्र से शायद आते हैं बच्चे पहली ग्रेड में, तो 15-16 साल की उम्र होती है 9th grade में। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि 9th grade में जो 2 महीने की छुट्टी होती है समर में, 10th grade में 2 महीने की छुट्टी होती है, 11th grade में 2 महीने की छुट्टी होती है, और 12th grade में 2 महीने की छुट्टी होती है, तो 9 से 12 के बीच में अगर हम 2 महीने हर साल के जोड़ें तो 8 महीने की छुट्टी होती है। तो दोस्तों, बच्चे हमारे जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाएं, इसके पहले अगर वो चाहें तो सेल्फ डिपेंडेंट, बेसिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, चाहे तो वो अपनी एजुकेशन को खुद सपोर्ट कर सकते हैं, तो बिना किसी प्रेशर को डाले हुए 2 महीने बच्चे, ठीक है, समर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो कुछ ऐसी पढ़ाई करें कि जिससे कि वो एक अपना कैरियर पहले ही डेवलप कर लें बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। तो अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ये अपना गेम में बहुत बिजी रहते हैं, तो अगर हमारे बच्चों को गेम खेलना इतना अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों की ऐसी एजुकेशन दें कि वो गेम डेवलप करने लगे। क्यों ना हम अपने अपने बच्चों को दें कि वो ऐसे से, देखे होंगे कितने सारे यूट्यूबर हैं को जो डिफरेंट गेम्स को केवल रिव्यू करते हैं या उनके बारे में जानकारी देते हैं, एंड दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर एंड दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर। दोस्तों, पॉसिबल है। तो ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल दिया, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चों के लिए कुछ ऐसे गेमिफाई करके हम कोर्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे उनके लर्निंग मीडियम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो बच्चों की उम्र होती है जो 15 से 16 साल, और अगर वो 9th grade से और 12th grade हम लें, तो वो 15 साल से लेकर 20 साल के आसपास की जो हमारी उम्र होती है, 15 से 18, 15 से 19 की, उसमें जो उनकी अब्जॉर्बिंग पावर इतनी फास्ट होती है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, उनकी लर्निंग इतनी फास्ट होती है कि कुछ भी आप उनको दें, चाहे वो कि एक्स्ट्रा लैंग्वेज उनको लर्न करना हो या एक्स्ट्रा स्किल लर्न करना हो, बहुत ही आसानी से वो लर्न कर सकते हैं। तो मैं आज आप
आपको बच्चों के लिए कुछ रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि कौन से रिसोर्सेज को वो यूज़ करके और वो स्किल डेवलप कर सकते हैं, जिन स्किल से वो अपनी एक पॉकेट मनी, नॉट ओनली द पॉकेट मनी, 18-19 साल जब वो 12th ग्रेड में बच्चे होते हैं तो 17-18 साल की उम्र बहुत ही मेच्योर उम्र होती है आज के हिसाब से, क्योंकि बच्चे इतना जल्दी मेच्योर हो जाते हैं आज की डेट पर। 10-12-13 साल के बच्चे, वो चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इतनी सारी चीज़ें जानते हैं कि वो लोग जो 50s में या 60s में हैं उनमें और इन बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दोस्तों क्यों ना इन बच्चों की टाइम का और स्किल का ऐसा उपयोग किया जाए कि बच्चे बिफोर दे गो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ऑफ कोर्स मैं हर बच्चे की नहीं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आईएएस करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना होता है, मेडिसिन करनी होती है, एक उनका डिसाइडेड ट्रैक होता है, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो या उनके अपने एम्बिशंस हैं, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, go with that. But when I talk about 70-80% मिडिल क्लास इंडिया, तो मिडिल क्लास इंडिया के सारे बच्चे आईएएस और मेडिसिन और उस पर नहीं होते हैं, ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या इंजीनियरिंग में केवल एडमिशन इसलिए ले लेते हैं कि भाई दोस्त ने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में लिया या कंप्यूटर साइंस में लिया या कंप्यूटर साइंस बहुत डिमांड में है तो चलो उसमें एडमिशन ले लेते हैं, हो सकता है उसमें उनका इंटरेस्ट ना हो। तो दोस्तों फिर से थोड़ा सा हल्का सा रिकैप करूंगा, तो आज हमने डिसाइड किया कि हम अपना यंग इंडिया के स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और उनका मेन आइडिया मेरे को वहां से आया कि आज की डेट पे इंडिया में अराउंड 80% इंडिया इज ए मिडिल क्लास इंडिया, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मिडिल क्लास इंडिया का सारा जिंदगी ऑलमोस्ट 3-4 चीज़ों में ही गुजर जाती है, वो अपने घर को चलाने में, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी ब्याह में, और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लाइफ में आ जाता है तो कभी कभी बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं आदमी जब 50-60-70 उस एज में जाता है। तो मेरा मेन मकसद ये था कि हम अपने बच्चों को अगर 9th ग्रेड से लेकर के कुछ ऐसी स्किल पढ़ाना उनको हम शुरू कर दें, हर साल दो महीने की छुट्टी होती है तो 9th, 10th, 11th, 12th 4 सालों में 2-2 महीने अगर हम कैलकुलेट करें हर साल का 8 महीने होते हैं, तो 8 महीने में इन बच्चों में इतनी ग्रास्पिंग पावर होती है, ये जो टीनेजर एज होती है, कि बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप देखो कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है, अब बच्चे की इंटरेस्ट, अब आज एक समय था लोग क्रिकेट खेलते थे, हर आदमी तो क्रिकेट इंडियन टीम में नहीं जा सकता ना, लेकिन आज की डेट पे आप गेमिंग फाई करके क्रिकेट को ट्रेनिंग के लिए एक सिमुलेशन बना सकते हैं, बच्चे उसको गेम बना सकते हैं क्रिकेट पे, क्रिकेट पे पर्टिकुलर कैरेक्टर पे गेम बना सकते हैं, तेंदुलकर की स्टाइल क्या है या पर्टिकुलर उस पर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपके बच्चों को लगता, आपको लगता है कि हमारे बच्चे बहुत गेम खेलते हैं, तो ठीक है, लेट देम डेवलप अ गेम। तो उस एंगल से मैं आज बात कर रहा था कि हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं जो कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने से पहले ऑलरेडी वो ऐसा है कि अपना 10,000, 15,000 या 5,000 रुपये महीने के कमाने लगे हैं, और कैसे कमाएंगे, किस तरीके से कमाएंगे, मैं उनके भी रिसोर्सेज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो जैसा कि अगर आप इंडिया में हैं और बच्चे वहाँ पे हैं, तो आप लोगों ने खान अकेडमी का नाम सुना होगा, खान अकेडमी khanacademy.com में जाके, एक समय था जब इस जेंटलमैन ने यूएस में अपने कजिन्स को पढ़ाना शुरू किया था, फिर उन्होंने शुरू में मैथमेटिक्स और फिजिक्स, आज की डेट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड व्हाट्स नॉट, इंग्लिश कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सो मेनी हाईटेक थिंग्स, तो जस्ट फ्री रिसोर्स मेरे दोस्तों, आप जाइए और उसको विजिट कीजिए, फिर अपने बच्चों को उसमें डालिए, फ्री में एजुकेशन है, khanacademy.com, इस पर एक अच्छा रिसोर्स है, इसमें बच्चे अच्छी अच्छी स्किल सीख सकते हैं, और नॉट ओनली दैट, वो स्किल इतना अच्छी तरीके से सीख सकते हैं कि आज वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करने के लिए भी फ्री में सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपको एक स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो जितना टाइम होगा मैं आपको दूंगा, यू कैन रीच आउट टू मी, जस्ट टाइप www.coachrakesh.com/connect एंड इट विल टेक यू टू द इंटरफेस वेयर यू कैन बुक अ 15 मिनट्स टाइम विद मी, और जो आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट जस्ट फॉर फ्री, टेल मी आपका बच्चा किस ग्रेड में है, या आप खुद अपने बारे में जानना चाहें कि कितने लोगों मैं फ़ोन पर आजकल बातें करता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों एक रिसोर्स रहा khanacademy का, दूसरा रिसोर्स है कि कोई भी स्किल आपकी, अच्छा ये पता करना चाहेंगे गूगल में, यू नो द लिस्ट ऑफ द स्किल्स वेयर आई कैन मेक मनी, समथिंग लाइक दैट, ये आप क्वेश्चन गूगल में डालें, क्वेश्चन यूट्यूब में डालें, 5,000 स्किल्स आपको आएंगी और उनमें देखें कौन सी स्किल है, और वो स्किल के जो बहुत सारे कोर्सेज फ्री में होते हैं उन स्किल्स के, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो वो स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। दूसरा रिसोर्स दोस्तों मैं बताऊँगा, linda.com,
linda.com, linda.com. दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट थी आज के 5-6-7 साल पहले किसी ने शुरू की. क्या करते थे ये लोग कि बस कोर्सेज बना के उसमें डालते थे. वो इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो गया कि लिंक्डइन ने उसको $1 बिलियन से ऊपर खरीद लिया. दोस्तों इतनी बड़ी पावर होती है कि अपनी नॉलेज को एक जगह आपने इकट्ठा कर दिया और लोग उसकी मेंबरशिप लेते हैं और पे करते हैं. और तीसरा रिसोर्स मैं एक और आपको बताना चाहूँगा, लिंडा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और दूसरा है वो है udemy.com, www.udemy.com. रिसोर्सेज तो बहुत है दोस्तों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब बताओ तो वही है कि जैसे बुफे का खाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो भूख मर जाती है, उसी तरीके से आपका इंटरेस्ट डाउन हो जाता है अगर बहुत सारे रिसोर्सेज बताऊंगा. लेकिन अगर आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आपसे बात करके और आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल और स्पेसिफिक पाथ एंड रिसोर्स आपको गाइड करने में. तो दोस्तों आपके अपने बच्चों को यार आप अपने खुद के लिए, आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, डजेंट मैटर, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें बस लॉगिन हो, देखें किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है उसको सीखने के लिए. अगेन मैं तीनों रिसोर्स रिपीट करूंगा, hinacademy.com मोस्टली एकेडमिक बच्चों के लिए है, लेकिन अगर कोई स्किल जिससे आप पैसे कमाना चाहें उसमें आप udemy.com एंड linda.com में जा सकते हैं. इसमें केवल सीखने के लिए ही नहीं दोस्तों, स्पेशली जो udemy.com है, आप अगर कोई अच्छी चीज़ जानते हैं और उसको किसी को टीच करना चाहते हैं तो उसके आप ऑडियो कोर्स बना सकते हैं या वीडियो कोर्स बना सकते हैं या ऑडियो वीडियो मिक्स बना सकते हैं या जस्ट टॉकिंग हेड बना सकते हैं कि अपना आपने क्या किया कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स बना ली या कीनोट जो मैक यूज़र है उसमें स्लाइड्स बना ली और उसमें आप बस बोलते गए, ऑडियो साथ में रिकॉर्ड करके उसके कोर्सेज आपने, जैसे CBT कोर्सेज होते थे शुरू में 90s में एंड 2000 में उस टाइम पे, और आपने डाल दिया. तो नॉट ओनली यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वेबसाइट linda.com, udemy.com, बल्कि आप अपने कोर्सेज को भी वहाँ पे डाल सकते हैं एंड पीपल विल बाय योर कोर्स एंड देन दे विल पे यू आल्सो. तो दोस्तों ये जो मैं आपको इस रास्ते बता रहा हूँ, जैसे हमारे बच्चे हैं अभी तीनों वेबसाइट यूज़ करके अगर बच्चे हमारा कोई कोर्स डेवलप कर लेते हैं. और भी आपको मैं बताना चाहूँगा इसके अलावा कि आज की डेट पे दोस्तों क्या है कि स्पेशली नॉर्थ अमेरिका भी जो सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो एक तरीके से वेव आई हुई है, इस वेव का जो मेन फोकस इस समय है US, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, अप टू सर्टेन एक्सटेंट जर्मनी, ये 5-6 मुल्कों में है. तो क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और US में आज की डेट पे लोग हार्वर्ड छोड़ के अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट. उनको क्या होता है, उनको वेबसाइट बनानी होती है, उनको ग्राफिक्स बनाने होते हैं, उनको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, देयर आर सो मेनी सर्विसेज. और वो क्या है कि किसी को एक पिक्चर केवल बनानी है कि फेसबुक में कवर में लगाने के, आपको लगेगा अरे फेसबुक की कवर बनाने के कौन पैसे देगा. यस दोस्तों यहाँ पे लोग हैं who make millions of dollars. Yes, when I say millions of dollars, I'm not saying just for sake of saying, yes, people do make a millions of dollars. तो उनके लिए time बहुत important. तो वो क्या करते हैं, outsource करते हैं कि भाई चलो मेरी 1000 images आप बना दो, 50 images बना दो, 100 images बना दो, और उसके लिए वो $5, $10, $100, $50 एक इमेज के भी देते हैं. दोस्तों मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपने कोई स्किल सीख ली, अगर इस तरीके के आप काम करना चाहें, आज की डेट पे लोग फिलीपींस से करवाते हैं, ईस्टर्न यूरोप से करवाते हैं, इंडिया से करवाते थे, अभी बहुत कम हो गया है. उसका रीज़न क्या है, जब हमने भी अपने दोस्तों से बात करना शुरू किया है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कि भाई आप इंडिया से क्यों नहीं करवाते, तो उनका यही रिस्पॉन्स था, राकेश इट्स वेरी गुड, यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज, बट द ओनली थिंग द क्वालिटी एंड द डिलीवरी ऑफ टाइम दैट लैक्स बिग टाइम. मीन्स हम कमिट कर देते हैं कि जी कल कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे, 1 दिन में कर देंगे, लेकिन वो कीप ड्रैगिंग 3 days, 4 days, सॉरी एक्सक्यूजेस. तो लोग धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं दोस्तों. ज़्यादातर लोग फिलीपीन में, ईस्टर्न यूरोप है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, इन मुल्कों से अभी बहुत फास्ट और अच्छी कम्युनिकेशन भी होती है. लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे हैं अपने हिंदुस्तान में जो CBSE, ICSE बोर्ड्स होते हैं, अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन होती है, नहीं भी होती है अगर UP बोर्ड से, किसी और बोर्ड से हैं, तो जाके हमारे कोर्सेज हैं, टोस्ट मास्टर है. मैं तो अब चूंकि ये इन्फॉर्मेशन फ्री दे रहा हूँ तो उसकी उतनी खास वैल्यू नहीं होती है दोस्तों, लेकिन आपको मैं गोल्ड दे रहा हूँ, गोल्ड, आप भटके नहीं इधर उधर. या तो ये आपको मैंने बता दिया कि वो तीन रिसोर्सेज जिससे स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं. मैं अब आपको रिसोर्सेज वो बताने जा रहा हूँ दोस्तों जहाँ पे कि आप अपनी स्किल को कैसे बेच सकते हैं. तो चाहे तो आप लिख लें या मैं फेसबुक में भी ये लिंक्स डाल दूंगा आपके लिए टाइप करके,
तो सपोज किया कि फॉर इंस्टेंस आपको वीडियो एडिट करना आ गया, ये आपको इंफोग्राफिक्स एडिट करके बनानी आ गई, तो उस पर क्या कर सकते हैं कि अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं एक वेबसाइट का नाम दूंगा, दैट इज द चीपेस्ट वन इन अ वे टू मेक लिटिल मनी बट फास्ट मनी, इज कॉल्ड द fiverr.com, www.fiverr, fiverr.com, फाइवर, फाइव मतलब पाँच से, कि हर चीज़ पाँच रुपये में, यू नो, वहाँ से आया इसका कॉन्सेप्ट। सो fiverr.com, fiverr.com, fiverr.com में जाएं, आप रजिस्टर करें। आपको अगर कोई जॉब करवाना है वहाँ पे $5 में करवा लें, $5 से शुरू होता है, डिपेंड करता है कितना एडवांस है, वो आगे भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम $5। तो अगर आप कोई चीज़ सीख गए हैं उसमें पैसे बनाना चाहते हैं तो आप अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करें। उसके बाद क्या करें, आप वो काम करने लगे, छोटे छोटे काम, जैसे कि इमेज बनानी है, किसी को इमेज में कोटेशन कोटेड इमेजेस बनानी है, सो सिंपल, टूल भी फ्री में होते हैं और वहाँ पे जा के आपको $5 मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ 9, 10, 11, 12 उन बच्चों के लिए, और महीने में आपके 4 वीकेंड होते हैं, हर वीकेंड में 2 दिन होते हैं, तो 4 × 8 सैटरडे संडेज होते हैं, अगर 2 घंटे पर वीक में आप काम करें तो 8 × 16 इमेजेस बना सकते हैं। और क्योंकि 1 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है, आधे घंटे भी बच जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, 10 मिनट 15 मिनट एक टास्क कर लोगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेता हूँ कि 1 घंटे भी लगता है एक टास्क में, और अगर आप 2 घंटे लगाते हैं सैटरडे संडे तो देर विल बी 16 टास्क आप कर सकते हैं, और एक टास्क अगर $5 भी मिलता है US के हिसाब से तो दैट इज़ 300-350 रुपीज़ एक टास्क का। तो अगर 16 टास्क महीने में कर लिए तो 300 से अगर 16 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 × 48 तो 5,000 रुपये दोस्तों महीने का हो गया, जस्ट पार्ट टाइम ये। लेकिन ये मैंने बताया 1 घंटा अगर एक जॉब में लगाते हैं, जबकि वो लगेगा 15 मिनट ही, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे महीने 2 महीने में, तो 15 मिनट वही काम, तो उसको 4 गुना कर सकते हो, तो जहां 4,800-5,000 में रहे थे, 4 गुना 20,000 रुपये अभी महीने का मिल सकता है। दोस्तों इंजीनियरिंग करने के बाद दोस्तों लोगों को दिल्ली जैसे शहरों में 20,000 रुपये की जॉब पाना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों आज के जिस ज़माने में, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, बहुत आसान है। तो ये रिसोर्स था, उसका नाम था fiverr.com। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाइए तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। उसका नाम है upwork.com, upwork.com। यहाँ पे एक्सपेंसिव टास्क होते हैं कि एक टास्क 1 घंटे में आप करो, हो सकता है आपको $200 मिल सकते हैं, $100 मिल सकते हैं, और अच्छा अगर आप एक्सपर्ट हो गए, यू कैन गो टू 99 डिजाइन, एंड सो मेनी इज अनलिमिटेड। जब सुनता हूँ लोग फ़ोन करते हैं, इंडिया से बात करते हैं, बोलते हैं कि सर कैन यू हेल्प मी, आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम मैकेनिकल एंड आई एम इन दिल्ली, नॉट इवन गेटिंग 20,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, और सब कुछ, हर चीज़ के लिए कोर्स है, हर चीज़ के लिए बुक है, जिस चीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना है उसके बारे में दोस्तों बुक है, लेकिन नहीं हम उस पर ज़्यादा समय लगा पाते। एक अभी लेख पढ़ रहा था, बुक की पावर, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आपको शायद मालूम हो कि जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जी 33 या 35 की उम्र में सांसद बन गए थे, ये शायद 1957 या उस 50s के आसपास की बात है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है, माफ़ कीजिएगा। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद बन गए तो वो सदन में क्या स्पीच दे रहे थे, और स्पीच दे रहे थे विदेश नीति पे, तो इतना बढ़िया वो बोले कि पंडित नेहरू उठ के आए और उनकी पीठ थपथपाई और उनसे पूछे कि आप विदेश गए हो? बोलते नहीं, मैं कभी जहाज़ में नहीं बैठा, मैं कभी विदेश नहीं गया। तो बोलते आपके घर का कोई कभी गया है? बोलते नहीं, कोई नहीं गया। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताइए कि आपको ये कैसे जानकारी मिली? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही संजीदगी के साथ उत्तर दिया था पंडित नेहरू जी को कि हमने ये सारा किताबों से सीखा है। दोस्तों किताबों की इतनी बड़ी पावर है, अगर मेरे को आप फॉलो करते होंगे तो शुरू से मैंने बताया कि किताबों ने दोस्तों मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस गांव के बच्चे को, इसमें जो लोगो है, इसमें आप देखोगे ऑडियो, उसमें भी अगर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है अ विलेज बॉयज जर्नी, और विलेज बॉय में देखा होगा तो मैं गमछा बांध के और बैलगाड़ी में बैठा हूँ, और मेरा बड़ा वाला बेटा देवांश बीच में है, और उसके पीछे हमारे है गांव के मेरे सहपाठी एक थे कल्लू अवस्थी, और उन्हीं का बेटा है इसमें पीछे बैठा हुआ है। तो यह
तो दोस्तों बहुत बड़ी पावर है, तो अगर इसको आप पढ़ें, जो आपने सुना मैं बहुत जल्दी जल्दी में बोल गया हो सकता है, इसको आप फॉरवर्ड करें, या आप इसको सुन के अपने बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, इसको फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड करने के लिए मुझे कोई, हर एक को अच्छा लगता है, रिकग्निशन उसका नाम हो फेम हो, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों में दे गया कि अगर इसको आप किसी से शेयर करें, कोई फॉलो करें, इसको बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों, गारंटीड है। समय में इतनी पावर होती है, और उससे बड़ी पावर हमारे यूथ में है, और वो यूथ जो 15 से 20 साल की उम्र का है, और वो 15 से 20 साल की उम्र हमारी निकल जाती है 9 से 12th के बाद इंजीनियरिंग में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेने तक, वो नॉन प्रोडक्टिव होता है। केवल हम एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन अगर साइड में, जैसे मैंने बताया कि केवल 2 घंटे मतलब 4 घंटे आप वीकेंड में निकालें, और 52 वीकेंड होते हैं दोस्तों, 200 घंटों से ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़ी पावर होती है। उसके साथ हमने ये भी बताया कि 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, और वो 2 महीने की छुट्टियाँ अगर हम एक केवल स्किल डेवलप करने के लिए, कि आई वॉन्ट टू learn how to edit videos or how to learn how to do transcription from audio to transcription, बहुत बड़ा बिजनेस है। GMR एक करके कंपनी है, दे मेक मिलियंस ऑफ डॉलर, इंडियन बेस्ड कंपनी है, दे डू लॉट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक समय था ट्रांसक्रिप्शन केवल डॉक्टर्स के लिए होता था, लेकिन दोस्तों आप, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं कि पॉडकास्टिंग क्या होती है, तो उसके थ्रू कभी बाद में लूँगा वो सेशन। लेकिन आज की डेट पे क्या है कि लोग वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी वीडियो में जो बोला जाता है वो क्या बोला गया उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपर्पजिंग। एक चीज़ एक बार बना दी गई, उससे अलग अलग चीज़ें निकाल के उसी को बुक में छाप दिया गया, उसी की ऑडियो CD बना दी गई, या ऑडियो यू नो MP3 उसका प्रोडक्ट बना दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत कुछ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो और आपको लगा कि मैं कुछ हेल्पफुल बातें कर रहा हूँ दोस्तों, यू कैन रीच आउट टू मी अगेन www.coachrakesh.com/connect। आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको एक इंटरफेस में लेके जाएगा। बेसिकली ये ऑनलाइन कैलेंडर है जिसमें कि आप देखेंगे कौन सा टाइम अवेलेबल है, और ये अपने टाइम पे, इंडियन टाइम पे, कनाडा टाइम पे, अगर कंफ्यूज हो जाइएगा तो कोई बात नहीं, क्लिक कर लीजिएगा, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मेरी एक सेक्रेटरी कम उसको मैंने रखा हुआ है 3-4 घंटे काम हफ्ते के लिए, बहुत सस्ता पड़ता है फिलीपीन में, तो वो देखेगी, देख करके वो मेरे को फॉरवर्ड कर देगी, फिर मैं उसको देखता हूँ। मालूम है कोई कन्फ्यूजन, मैं खुद ही आपको पहले एडवांस में फ़ोन कर दूँगा, अच्छा आप भी बात कर सकते हैं क्या, तो वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। मैंने बीड़ा उठाया है दोस्त मतलब हेल्प करने का, तो अच्छा लगता है, और उसी इंडिया से, उसी गांव से निकला हूं, और आज भी पेन मालूम है कि सबसे बड़ी पेन गरीबी होती है दोस्तों, इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता है, लेकिन अगर आज चाहें तो इसको वरदान को बदलने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो दोस्तों वंस अगेन आज का जो टॉपिक था, टॉपिक इसीलिए था कि हमारे यंग इंडियंस की कैसे स्किल बढ़ाएं, जिससे कि माँ बाप की परेशानियाँ थोड़ा कम हो सकें, क्योंकि माँ बाप की ज़िंदगी किस पे बीत जाती है, घर को खर्चों, घर में कि मॉर्गेज में, अब उसके बाद बच्चों के एजुकेशन में, उनकी शादी ब्याह करने में, और यही हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। तो दोस्तों उसमें बच्चे बहुत जल्दी हाथ बढ़ा सकते हैं। तो यही आज का मेरा टॉपिक था, और मुझे विश्वास है कि आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी, और ज़ोरा से भी पसंद आई होंगी। आप मुझसे प्राइवेटली बात करना चाहें तो अगेन जैसा कि मैंने बताया, आप मेरे को लिख सकते हैं urichrakesh@gmail.com, सिंपल इट्स स्पेलिंग UYOURICH REACH Rakesh RAKESH@gmail.com, urichrakesh@gmail.com पे हमें आप लिख सकते हैं, या हमसे आप फ़ोन पे बात करना चाहें, मैं आपको खुद फ़ोन करूँगा। केवल आपको क्या करना है कि www.coachrakesh.com/connect में क्लिक करें, टाइम बुक करें, सब ऑटोमेटिक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और मैं आपको कॉल करके आपसे बात करूंगा। कुछ नहीं ट्रांसफर कर पाऊंगा तो हम एक अच्छे दोस्त बनके जरूर अलग होंगे, और यही मेरी गुजारिश है। बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों आपसे मिलके, और बस आप लोग होती है आपसे मुलाकात। चलिए कुछ दोस्तों को देख रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन में, जब बहुत सारे होते हैं तो स्क्रीन रोल आउट हो जाता है, तो सबके नाम नहीं पढ़ सकता। अशोक शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, नवीद अहमद कुरैशी साहब
थैंक्स फॉर लिसनिंग. एंड रमनकांत शर्मा जी थैंक फॉर लिसनिंग. मार्टिन लोपेज थैंक यू वेरी मच बड़ी. आई एम स्पीकिंग इन हिंग्लिश, हिंदी माई इंडियन लैंग्वेज, माई प्राउड मदर टंग. आई सो प्राउडली यू मे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एवरी थिंग. मेरी क्रिसमस बड़ी, मेरी क्रिसमस. आशीष लालन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. सुहेल मकबूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया. अश्विनी मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया. मरियम रिजाई आई डोंट नो इफ आर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज़ माई मदर टंग, माई प्राउड मदर टंग हिंदी. एंड ओकेजनली आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो बट मोस्टली हिंदी एंड सम लव्स ऑफ उर्दू. चंदन भाई थैंक यू वेरी मच. एंड शयान डे थैंक यू वेरी मच. दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि इसमें ना कोई प्रमोशन है, कोई सेलिंग है. अगर हो सके जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो मेरी इस ऑडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ. फेसबुक में जाके शेयर करें, यूट्यूब में जाके शेयर करें, ईमेल के थ्रू शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हैं. दोस्तों एक ये मैंने विड़ा उठाया है और आप लोगों के टॉपिक लूँगा. टॉपिक का केवल ज़्यादातर लोग क्या बताते हैं आज की डेट पे दोस्तों, मोटिवेट करते हैं आपको और बताते हैं वाई और हाउ कि क्यों आपको ये चीज़ करनी चाहिए. और ये बताते हैं कि व्हाट एंड व्हाई दे टेल यू कि क्यों करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हार्डली वो लोग बताते हैं कि कैसे करना चाहिए. तो मैं कैसे भी बताऊंगा और वो कैसे हाथ पकड़ के भी बताऊंगा, समझाऊंगा अगर आप फ़ोन पे आएंगे. तो कोशिश ये करें, बहुत सारे लोग जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या कोई स्कूल चलाते हैं, कोई कॉलेज चलाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आधे घंटे का अगर टाइम अपने स्कूल में आप निकाल सकें तो क्या कर सकते हैं कि मैं 9 बजे मंडे को आऊँगा. हर मंडे को 9 बजे सुबह आता हूँ और बहुत सारे स्कूल कॉलेज उस समय खुल जाते हैं. तो चाहें तो ये ऑडियो आप ऑन कर सकते हैं और पूरा क्लास सुन सकता है. उसके बाद कोई क्लास के बच्चे अगर कोई क्वेश्चन पूछें तो वो क्वेश्चन आप मेरे को टाइप कर दें तो फिर मैं उस टॉपिक पे बात आपसे कर सकता हूँ, या मैं आपके क्लास में लाइव आ सकता हूँ स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू, वेबिनार के थ्रू. वो मेरे ऊपर आप छोड़ने क्या रिसोर्सेज हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास डिवाइस वहाँ पे कंप्यूटर या आईपैड या सेलफोन कुछ भी है तो मेरे को कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन सबसे सस्ता चीज़ें कर सकते हैं कि आप ऑडियो, मैं यहाँ से बात जरूर कर रहा हूँ, मुझे यही नहीं मालूम है कि ऑडियो सुनना कितना एक्सपेंसिव है इंडिया में. वो मुझे शायद पता करना पड़ेगा कि उसका क्या डेटा वगैरह लेना पड़ता है, तो कि कितना क्या होता है. लेकिन एक ये अच्छा है रिसोर्स, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो. तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना सेलफोन ऑन कर लें 9 बजे सुबह हर मंडे को और बस उसके बाद मैं आधे घंटे बोलता हूं और आप उनको सुनाएं, बच्चों के क्वेश्चन लें. तो दोस्तों यही आज का, कुछ और लोगों के नाम लेना चाहूंगा. विजय सिंह थैंक यू वेरी मच. अर्चना जी थैंक यू वेरी मच. अर्चना जी मैं फिर जी लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं, अर्चना पे आ जाऊंगा. बहुत बहुत खुशी होती है. चंदन कुमार बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अपने बच्चों के लिए अपने लिए 3 वेबसाइट हमने बताई हैं. एक है खान अकेडमी और दूसरी हमने बताई है lynda.com lynda.com, थर्ड वन इज़ udemy.com udemy.com. ये तीनों वेबसाइट सीखने के लिए हैं. खान अकेडमी बेसिकली अकेडमिक्स के लिए है, लेकिन और जो दोनों हैं यूडेमी एंड लिंडा कोई भी स्किल्स के लिए हैं. और उसमें स्पेशली जो यूडेमी है उसमें आप अगर कोई चीज़ जानते हैं और किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो यू कैन बिकम इंस्ट्रक्टर एंड टीचर एंड यू कैन record and put it there and you will be paid when people will buy your course. Not only that, whenever they will even log in for free to see, you can create little course, you know, little free version and little paid version. तो free version से आपको क्या मिलेगा, उनके email addresses मिलेंगे, फिर आप उनसे directly communicate कर सकते हो. ये बहुत बड़ी online marketing है. धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन कहीं से आप शुरू करें. 12 महीने होते हैं दोस्तों साल में. कोशिश कर लें कि हर महीने एक स्किल सीखेंगे, या टू स्टार्ट विद हर 3 महीने में एक स्किल सीखेंगे और बस. तो उस स्किल से क्या होगा, आपकी बोरियत दूर होगी. लेकिन वही स्किल अगर आपको पैसा देने लगे कितनी अच्छी बात होगी दोस्तों. इतनी सारी स्किल्स हैं. हम लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन स्किल हो, चाहे वो कोई हेल्थ को मॉनिटर करने की स्किल हो. देर आर सो मेनी दोस्तों, सो मेनी. अगर आपको नहीं मालूम है कौन सी स्किल सीखी जाए, सीधे गूगल यूट्यूब में जाएं और टाइप करें कि द स्किल टू मेक मनी फॉर यंग इंडियन, स्किल टू मेक मनी फॉर फार्मर्स, स्किल टू मेक मनी फॉर ब्यूटी. डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एंड जॉनरा पे डालें, हज़ारों आएंगे दोस्तों. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ. और वंस अगेन
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देख तो नहीं सकते हो आप मेरे को, लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों के समय के लिए, और मुझे विश्वास है कि आपके समय को मैं कुछ वैल्यू दे सका। और दोस्तों अगले सोमवार को, सॉरी ये क्रिसमस की वजह से इस बार समय से नहीं आ पाया कल, और एक दिन डिले हो गया और उसमें भी टाइम डिले हो गया, और अगले वीक 9 बजे मंडे को हम फिर आपसे मुखातिब होते हैं, मुलाकात होती है। और बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट्स में ये डालें कि किस टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हैं, बाकी इसको शेयर करने की तो बड़ी खुशी होगी। आज मुझे आशा कम से कम 10 शेयर मैं देखूंगा आज 1-2 घंटे में कि आप लोगों ने शेयर किया। और अगर ना शेयर करने का दिल करे, अरे राकेश जी इसमें कोई खास बहुत वैल्यू नहीं है, आप बोलते तो हैं लेकिन कुछ खास मज़ा नहीं आया, वो भी लिखें, आप क्रिटिसाइज़ करें। आपको मैं टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बताने की शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर मेरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो बेसिकली आप मुझे हेल्प करेंगे इम्प्रूवमेंट करने में, और वो बहुत खुशी की बात होगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, जाने का दिल नहीं करता लेकिन क्या करें, फिर टाइम भी हो गया यहाँ पे, और अभी सोना भी है, कल सुबह उठना भी है, और उसके बाद फिर कुछ शेयर करें, कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं दोस्तों। गुड नाइट कैनेडियन टाइम से, और गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून आपके टाइम से, या दुनिया में जहाँ भी सुन रहे हों दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, इन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय 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 बाय।